हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2019 में 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब सेमीकंडक्टर के अंदर 2 करंट होते हैं, पहला होता है ड्रिफ्ट करंट और दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट। अगर आप ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का टोटल करते हो तब हमें टोटल करंट सेमीकंडक्टर के अंदर कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पता चलता है। अब ड्रिफ्ट करंट जो है वो जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं सेमीकंडक्टर को तब ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, और ये जो डिफ्यूजन करंट है वो जब सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी हमारे चार्ज कैरियर्स है उसमें अनइक्वालिटी हो तब डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। तो वापस एक बार देख लेते हैं, ड्रिफ्ट करंट यानी क्या? जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं या फिर बोल दो कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर पे तब ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। और डिफ्यूजन करंट यानी क्या? जब सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी हमारे चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है, उसमें जब अनइक्वालिटी आती है तब डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। तो हम डिटेल में देख लेंगे दोनों करंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रिफ्ट करंट के बारे में। अब हमने सेमीकंडक्टर का ये क्रिस्टल तो बहुत बार हमने ड्रॉ किया है। ये जो क्रिस्टल हम बनाते थे वो 0 केल्विन पे बनाते थे, यानी 0 केल्विन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये क्रिस्टल के अंदर वो सारे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते थे, यानी कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। यानी एट 0 केल्विन ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। कब? 0 केल्विन पे। लेकिन हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो तो रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट किए जाते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर कितना लिख ले आप? 300 केल्विन। क्यों? 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। अब जब सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है तब ये सेमीकंडक्टर क्या करेगा? कुछ थर्मल हीट एब्सॉर्ब कर देगा। अब थर्मल हीट एब्सॉर्ब करी तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड टूटना शुरू हुआ तो क्या होगा? एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा जो कि कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सेमीकंडक्टर से शुरू हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर के, ऐसे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जैसे कि ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फिलहाल हम एक की बात करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहां से शुरू हुआ सपोज, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां कोई एटम है उससे कोलाइड करेगा, यहां एटम से कोलाइड करेगा, यहां एटम से कोलाइड करेगा, ऐसे करके इसकी कुछ रैंडम मोशन होगी। यानी कि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तब वो करंट बनाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कुछ करंट होगा, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर को टच करेंगे तो हमें करंट तो लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज ये डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, कुछ ये डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, कुछ ये डायरेक्शन में, कुछ ये डायरेक्शन में, यानी वेक्टोरियली देखने जाए तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की वेलोसिटी को। यानी करंट जो बन रहा है वो हर एक डायरेक्शन में बन रहा है, कुछ ये डायरेक्शन में करंट बना, कुछ ये डायरेक्शन में, कुछ ये डायरेक्शन में करंट बना, कुछ ये डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पे अभी तो कोई करंट बन नहीं रहा, यानी नेट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे रैंडम मोशन हो रहा है, कोई करंट बन नहीं रहा, ठीक है। अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको एक एक्सटर्नल फील्ड दे देंगे, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड दे दी हमने। अब एक्सटर्नल फील्ड देने पर इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहां था, ठीक है, और ऐसे रैंडम मोशन करके यहां पहुंचा था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉइंट से डायरेक्ट ये पॉइंट पे आ जाएगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करके सीधा इधर आ जाएगा। तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी।
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तब ये इलेक्ट्रॉन यहां कोलाइड किया, यहां पे कुछ इसकी वेलोसिटी बढ़ी या घटी, यहां आया कुछ एक्सेलरेशन बढ़ा या घटा, यहां आया कुछ वेलोसिटी बढ़ी घटी एक्सेलरेशन बढ़ा घटा, यानी कि ये जो मोशन थी रैंडम मोशन उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो कोई करंट बनाती नहीं थी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे तो इलेक्ट्रॉन अब यही डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैसी स्पीड से जाएंगे, कैसी वेलोसिटी से जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएंगे, जिसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन की, उसके वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ये साइड गया तो उसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जो भी करंट बनता है उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। शायद ड्रिफ्ट करंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पे जो करंट बना उसका इक्वेशन आप शायद ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, वी डी ई एन ए, ठीक है। VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन पॉजिटिव, कौन सा था, प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, N क्या था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन बोल लो होल बोल लो, और A क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब यहां पे हमने मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का एक इक्वेशन डिराइव किया था, क्या था, VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E, ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था, तो यहां पे हम रिप्लेस कर देते हैं, VD यानी क्या, म्यू इंटू ई, और ये ई एन ए, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिला। अच्छा, अब दूसरी एक बात, यहां पे जो ये करंट फ्लो हुआ ड्रिफ्ट करंट, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हुआ, उसी तरीके से होल की वजह से भी तो फ्लो होगा। कैसे होल की वजह से फ्लो होगा, जैसे कि एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसमें सपोज एक होल कंसीडर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट को फ्लो कराने के लिए हम एक फील्ड लगाएंगे, जब भी हम फील्ड लगाते हैं तब उसकी वजह से जो भी चार्ज कैरियर है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं और करंट बनाते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगाई तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, तो करंट का फ्लो ये आई ई यहां बनाएगा, और ये तो यहां जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो यही डायरेक्शन में ये आई एच बना देगा, यानी टोटल करंट किसके बराबर होगा, आई ई इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें आई इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो आई ई इज इक्वल टू क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई तो कांस्टेंट लगा रहे हैं, ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। उसी तरीके से अगर हम होल की बात करें, होल तो बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ होल, ई तो कांस्टेंट लगा रहे हैं, ई यानी चार्ज ऑन होल जो कि प्लस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम है, एन नंबर ऑफ होल जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसकी हम करंट डेंसिटी ढूंढे, करंट डेंसिटी का इक्वेशन आपको मालूम है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए था, तो यहां पे आई बाई ए कर देते हैं, सो आई ई बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ई एन, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो म्यू ई एन। ऐसे ही यहां पे करंट डेंसिटी ढूंढे तो आई बाई क्या करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा, तो म्यू एच ई ई एन, तो यहां पे करंट डेंसिटी होल की मिल जाएगी, म्यू एच ई एन ई, ठीक है। अब यहां पे क्या करा हमने, आई प्लस आई एच किया, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, जे इज इक्वल्स टू जे ई प्लस जे एच, ठीक है। अब जे ई प्लस जे एच कैसे करेंगे हम, तो जे इज इक्वल्स टू जे ई में म्यू ई एन ए है, और प्लस जे एच में क्या है, म्यू एच ई एन ई है, सो जे इज इक्वल टू ये ई कॉन्स्टेंट, ये चार्ज भी दोनों का सेम, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, नंबर भी सेम, ये ए तो नहीं आएगा यहां पे क्योंकि आई बाई ए जे हो गया, तो अब क्या कॉमन निकलेगा, ई एन कॉमन निकला, म्यू ई रह गया और प्लस में म्यू एच रह गया, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, ड्रिफ्ट करंट का इक्वेशन हो गया, या फिर ड्रिफ्ट करंट की डेंसिटी का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन जो है मैं यहां पे लिख लूंगा, कौन सा, जे
ई ड्रिफ्ट की वजह से कितना मिला था हमें, म्यू ई एन, ठीक है, और ये ई रह गया, और जे एच कितना, म्यू एच ई एन ई, ठीक है, ये दोनों काम के इक्वेशन है हमारे लिए। तो ये सारी बातें थी ड्रिफ्ट करंट के बारे में। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन करंट के बारे में। डिफ्यूजन करंट यानी क्या, कि जब चार्ज कैरियर में अनइक्वालिटी हो तब डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। तो वापस से हम एक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, तो यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन बना दूं, ये हमारे हो गए मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कौन से होते हैं, होल होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम होल बना दिए, ठीक है। अब ये जो रीजियन हो गया हमारा, ये रीजियन हो गया हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजियन, और ये जो रीजियन हो गया हमारा वो हो गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजियन। तो जब जो हमारे चार्ज कैरियर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन की तरफ मूव करते हैं तब वो कुछ करंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। कैसे, कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे होल है, तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिससे करके ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जिसे हम डिफ्यूजन करंट बोल देंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द फिनोमिना ऑफ मूविंग द चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन क्रिएट्स वन करंट विच इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन करंट की वजह से कुछ करंट डेंसिटी होगी, तो ये करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हम है वो हम लिख लेते हैं, वो है ई डी ई डी एन ई बाय डी एक्स। ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें ई जो है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। डीई जो है, डीई जो है इसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट कोएफिशिएंट, ठीक है। एन ई है डी एन ई, यानी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल डिस्टेंस, डीएक्स यानी स्मॉल डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हम डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की बात करें होल के लिए, तो वो हो जाएगा ई डी एच डी एन एच बाय डी एक्स, ठीक है। यहां पे ई क्या है, चार्ज ऑन होल है, होल पे कितना चार्ज, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। और डी एच है वो तो हमने देख लिया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल है, ठीक है। अब यहां पे जो होल की जो करंट डेंसिटी है वो माइनस होती है और इलेक्ट्रॉन की है वो प्लस में होती है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन तो हम मिल गए, तो टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन करंट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू डिफ्यूजन करंट जे ई प्लस जे एच कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। तो टोटल हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टोटल हम ऐसे फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट का और डिफ्यूजन का। तो टोटल अगर हम जी इलेक्ट्रॉन की वजह से हम फाइंड करें ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, तो ड्रिफ्ट कितना था इलेक्ट्रॉन, म्यू ई एन ई, ठीक है, प्लस डिफ्यूजन, प्लस डिफ्यूजन, सो डिफ्यूजन में कितना था ई डी ई डी एन ई बाय डी एक्स। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल करंट। उसी तरीके से होल की वजह से टोटल करंट कितना होगा, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट कितना है ये रहा, तो ये म्यू एच ई एन ई, और डिफ्यूजन कितना है प्लस करके ये डिफ्यूजन माइनस ई डी एच डी एन एच डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। ये हमें मिल गया। अगर टोटल चाहिए, ये वाला आंसर चाहिए आपको, तो सिंपली आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना लिख लो जे ई प्लस जे एच, ठीक है। तो एग्जाम में आपको यहां तक लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।